हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी रिकॉर्ड। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने वाले हैं 19 अगस्त 2018 के करंट अफेयर्स पर। फ्रेंड्स, हम लोग करंट अफेयर्स पर इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जो वेटेज है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स का, वो 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्जाम की हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। और अभी जो रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम चल रहा है उसमें 10 मार्क्स के करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि फ्रेंड्स, हमारा जो करंट अफेयर्स का वेटेज है वो एग्जाम में बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए हम डेली करंट अफेयर्स पर डिस्कस कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन रहेगा हमारा करंट अफेयर्स के ऊपर 19 अगस्त 2018 पे। लास्ट वीडियो में हमने क्विज के क्वेश्चन को देखा था, उसका आंसर हमें आज डिस्कस करना था। तो क्विज का क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों ने सही आंसर किया है कमेंट बॉक्स में। विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज में भारत को पहली जीत दिलाने वाले पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में पहली बार टेस्ट मैच और पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, विदेशी धरती पर टेस्ट सीरीज में भारत को पहली जीत दिलाने वाले पूर्व कप्तान अजीत वाडेकर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अजीत वाडेकर की कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड और वेस्टइंडीज में पहली बार टेस्ट मैच और पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट पॉइंट है, हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशियस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशियस में। हिंदी भाषा की पहुंच को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशियस में शुरू किया गया है। और इस सम्मेलन का जो विषय है वो है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। इस वर्ष 2018 के सम्मेलन का जो विषय है वो है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति है। ठीक है फ्रेंड्स, और विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 में की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 में की गई थी। अब फ्रेंड्स, यहाँ इसका आंसर मॉरिशियस है, तो मॉरिशियस के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मॉरिशियस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस। मॉरिशियस की जो करेंसी है वो है मॉरिशियंस रूपी। और मॉरिशियस के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रविंद जुगनौथ। ठीक है फ्रेंड्स, प्रविंद जुगनौथ, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में एशियाई खेलों के 18वें संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता। जकार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एशियाई खेलों 2018 को जकार्ता पालेमबेंग 2018 के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एशियाई खेलों 2018 को जकार्ता पालेमबेंग 2018 के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ जकार्ता की बात हो रही है, तो जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता। इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रूपी। और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडिडो। ठीक है फ्रेंड्स, जोको विडिडो। इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन दस्तावेज 2022 लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। ठीक है फ्रेंड्स, गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया पहल का ये नया सदस्य बन गया है। और डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजन 2022 सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरे उत्तर पूर्व में इस पहल को लागू करने से संबंधित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। एक बार और मैं बता देता हूँ, भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया पहल का नया सदस्य बन गया है। और डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजन 2022 सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरे उत्तर पूर्व में इस पहल को लागू करने से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ गुवाहाटी की बात हो रही है, तो गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। तो असम के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। असम की जो कैपिटल है वो है दिसपुर। असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है सर्बानंदा सोनोवाल। और असम के जो गवर्नर हैं वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट है आपको असम से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में ईरान एक्शन ग्रुप का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रायन हुक। ब्रायन हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी सचिव माइक पोम्पे ने ईरान एक्शन ग्रुप के निर्माण की घोषणा की है और राज्य नियोजन विभाग के निदेशक ब्रायन हुक को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बार और मैं रिपीट कर देता हूँ। अमेरिका सचिव माइक पोम्पे ने ईरान एक्शन ग्रुप के निर्माण की घोषणा की है और राज्य नियोजन विभाग के निदेशक ब्रायन हुक को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स यार ईरान की बात हो रही है तो ईरान से रिलेटेड हम पॉइंट देख लेते हैं। ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान। ईरान की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियल। और ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रोहानी। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, कौन सा देश एशिया कप 2018 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है फ्रेंड्स, और एशिया कप 2018 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें होंगी और यह टूर्नामेंट अबू धाबी और दुबई में आयोजित किया जाएगा। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखने। और फ्रेंड्स यहाँ यूएई की बात हो रही है तो यूएई के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यूएई की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम। ठीक है फ्रेंड्स, और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। एक बार रिपीट करता हूँ, खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो इतने पॉइंट आपको यूएई से याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में किस देश ने उत्तरी कोरियाई जहाजों की सहायता के लिए रूसी बंदरगाह सेवा एजेंसी और चीनी फर्मों पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य के अनुसार उत्तर कोरिया को उसके परमाणु कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए अवैध माल शिपमेंट के रूप में मदद दी जा रही है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स यहाँ अमेरिका की बात हो रही है तो अमेरिका के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिए। अमेरिका की जो कैपिटल है वो है Washington DC। अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुलपरपेरिया बांध में पानी के स्तर को कम करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। मुलपरपेरिया बांध किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल। ठीक है फ्रेंड्स, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब केरल इसका आंसर है तो केरल के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। केरल की जो कैपिटल है वो है त्रिवेंद्रपुरम। केरल के जो CM है वो है पिनाराई विजयन। और केरल के जो गवर्नर है वो है P. Sathasivam। तो इतने पॉइंट है केरल से आपको याद रखने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अननान का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गाना। वह गाना के थे। ठीक है फ्रेंड्स, और यह संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव थे। ठीक है फ्रेंड्स, 7वें महासचिव थे 1997 से 2006 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 1997 से 2006 तक, और इन्हें 2001 में नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो ये आपको याद रखना है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, यह संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव थे 1997 से 2006 तक, और इन्हें नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2001 में मिला है। और फ्रेंड्स इसका आंसर घाना है, तो घाना के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। घाना की जो कैपिटल है वो है अकरा। घाना की जो करेंसी है वो है घानेनियन सेडी। और घाना के जो प्रेसिडेंट है वो है नाना अकूफो अड्डो। ठीक है फ्रेंड्स, नाना अकूफो अड्डो। तो इतने पॉइंट आपको इस पॉइंट से याद रखना है। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में इब्राहिम बोबाकर कीता को किस देश का लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माली। माली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब माली इसका आंसर है तो माली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। माली की जो कैपिटल है वो है बमाको। और माली की जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन CFA franc। ठीक है फ्रेंड्स, और माली के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम बोबाकर कीता। इब्राहिम बोबाकर कीता। तो इतने पॉइंट है माली से आपको याद रखने। चलिए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में मारियो अब्दो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पराग्वे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। मारियो अब्दो ने पराग्वे देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है।
अब पराग्वे इसका आंसर है, तो पराग्वे के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, पराग्वे की जो कैपिटल है वो है असनशियन, और पराग्वे की जो करेंसी है वो है पराग्वेन गुरानी, और पराग्वे के जो प्रेसिडेंट है वो है मारियो अब्दो बेनितेज। ठीक है फ्रेंड्स, मारियो अब्दो बेनितेज। तो इतने पॉइंट आपको पराग्वे से याद रखने। तो फ्रेंड्स, अब हम जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं उसका हम एनालिसिस एक बार और कर लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रिपीटेशन जरूर देखें, तो वो क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो जाएंगे जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मॉरिशियस। मॉरिशियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा की पहुंच को वैश्विक स्तर पर बढ़ाने के उद्देश्य से 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशियस में शुरू किया गया, और इस वर्ष 2018 के सम्मेलन का जो विषय है वो है हिंदी विश्व और भारतीय संस्कृति है, और विश्व हिंदी सम्मेलन की शुरुआत 1975 में की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, 1975 में की गई थी। अब फ्रेंड्स मॉरिशियस इसका आंसर है, तो मॉरिशियस के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, मॉरिशियस की जो कैपिटल है वो है पोर्ट लुइस, मॉरिशियस की जो करेंसी है वो है मॉरिशियंस रुपी, और मॉरिशियस की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है प्रविंद जुगनॉथ। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको मॉरिशियस से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में एशियाई खेलों के 18वें संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जकार्ता। जकार्ता इसका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई खेलों 2018 को जकार्ता पालेमबेंग 2018 के रूप में भी जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अब जकार्ता की बात हो रही है, तो जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो है जकार्ता, इंडोनेशिया की जो करेंसी है वो है इंडोनेशियंस रूपी, और इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है वो है जोको विडिडो। तो इतने पॉइंट आपको इंडोनेशिया से भी याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन दस्तावेज 2022 लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर था ऑप्शन नंबर ए, गुवाहाटी। गुवाहाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का उत्तर पूर्व क्षेत्र केंद्र के प्रमुख कार्यक्रम डिजिटल इंडिया पहल का यह नया सदस्य बन गया है, और डिजिटल नॉर्थ ईस्ट इंडिया विजन 2022 सूचना संचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से पूरे उत्तर पूर्व में इस पहल को लागू करने से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ गुवाहाटी इसका आंसर है, तो गुवाहाटी कहाँ पर है? असम में। तो असम की कैपिटल जो है वो है दिसपुर, असम के जो सीएम है वो है सर्बानंदा सोनोवाल, और असम के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। तो इतने पॉइंट आपको असम से भी पता होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में ईरान एक्शन ग्रुप का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रायन हुक। ठीक है फ्रेंड्स, ब्रायन हुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिकी सचिव माइक पोम्पे ने ईरान एक्शन ग्रुप के निर्माण की घोषणा की है, और राज्य नियोजन विभाग के निदेशक ब्रायन हुक को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अब यहाँ ईरान की बात हो रही है, तो ईरान के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है, ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान, ईरान की जो करेंसी है वो है ईरानियन रियल, और ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो है हसन रोहानी। तो इतने पॉइंट आपको ईरान से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, कौन सा देश एशिया कप 2018 की मेजबानी करेगा? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात, UAE। एशिया कप 2018 में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीमें होंगी, और यह टूर्नामेंट अबू धाबी और दुबई में आयोजित किया जाएगा। फ्रेंड्स अब यहाँ यूएई की बात हो रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की बात हो रही है, तो यूएई की जो कैपिटल है वो है अबू धाबी, यूएई की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दिरहम, और यूएई के जो प्रेसिडेंट है वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको यूएई से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में किस देश ने उत्तरी कोरियाई जहाजों की सहायता के लिए रूसी बंदरगाह सेवा एजेंसी और चीनी फर्मों पर प्रतिबंध लगाया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य के अनुसार उत्तर कोरिया को उसके परमाणु कार्यक्रम को वित्त पोषित करने के लिए अवैध माल शिपमेंट के रूप में मदद दी जा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ अमेरिका की बात हो रही है, तो अमेरिका के जो कैपिटल है वो है वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका की जो करेंसी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो इतने पॉइंट आपको अमेरिका से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मुलपरपेरिया बांध में पानी के स्तर को कम करने पर विचार करने का निर्देश दिया है। मुलपरपेरिया बांध किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब केरल इसका आंसर है, तो केरल की जो कैपिटल है वो है त्रिवेंद्रपुरम, केरल के जो सीएम है वो है पिनाराई विजयन, केरल के जो गवर्नर है वो है पी साता शिवम। तो इतने पॉइंट आपको केरल से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अननान का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए घाना, वह घाना के थे और यह संयुक्त राष्ट्र के 7वें महासचिव थे 1997 से 2006 तक। ठीक है फ्रेंड्स, 1997 से 2006 तक थे। ठीक है फ्रेंड्स, और इन्हें नोबल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में 2001 में मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, 2001 में मिला है। अब फ्रेंड्स इसका आंसर घाना है, तो घाना के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घाना की जो कैपिटल है वो है एक्रा, घाना की जो करेंसी है वो है घानेनियन सेडी, और घाना के जो प्रेसिडेंट है वो है नाना अकुफो एडो। ठीक है फ्रेंड्स, इतने पॉइंट आपको घाना से याद रखने। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में इब्राहिम बोबाकर कीता को किस देश का लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति चुना गया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी माली, माली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब माली इसका आंसर है, तो माली के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, माली की जो कैपिटल है वो है बमाको, माली की जो करेंसी है वो है वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक, और माली के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम बौबाकर कीता। एक बार रिपीट करता हूँ, इब्राहिम बौबाकर कीता। इतने पॉइंट आपको माली से याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था, हाल ही में मारियो अब्दो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी पराग्वे, पराग्वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पराग्वे इसका आंसर है, तो पराग्वे की जो कैपिटल है वो है असंशियन, पराग्वे की जो करेंसी है वो है पराग्वेन गुरानी, और पराग्वे के जो प्रेसिडेंट है वो है मारियो अब्दो बेनितेज। तो इतने पॉइंट आपको पराग्वे से पता होना चाहिए। आज का क्विज का क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान एक्शन ग्रुप का गठन किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्विज के क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और स्टडी से रिलेटेड जो भी व्हाट्सएप ग्रुप हो उसमें मेरे इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी इंप्रूवमेंट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जरूर अपने वीडियो को इम्प्रूव करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।